इस समय कविता दलाल मेरे साथ मौजूद हैं और कन्वेंशन कर रही हैं, लोगों से, जनता से अपील कर रही हैं वोट की। आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं और नामचीन चेहरा है, भारत की पहली WWE खेलने वाली रेसलर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अब हमने इनके बात करने का मौका मिला है। कविता जी, सबसे पहला सवाल, जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, एक कदम भी आप इस रास्ते में नहीं चल पा रही, इतने गड्ढे, पानी भरा है, थोड़ी देर बारिश हुई है सुबह, हालात ये हैं। देखो, सच्चाई अब जनता के सामने है। जो लोग विकास के दावे करते हैं, आप नेशनल मीडिया आज जुलाना में आया हुआ है तो ये विकास के नाम पर लोग जो है ताल ठोकते हैं, सच आपके सामने है। यहाँ जुलाना हलके की बात करूँ, ना तो रोड है, ना स्टेडियम है, ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे अस्पताल हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना स्टेडियम है और ना ही कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है जहाँ हमारे बच्चे रोजगार पा सकें। बहुत बुरा, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा। कविता जी, क्या लगता है, अगर ये टिकट, जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही थी, शायद अगर ये पहले टिकट होता तो आपके लिए ये राह और भी ज़्यादा आसान हो जाती? मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि उस टाइम क्या होता, लेकिन आज की मैं बात करूँ तो आज जिस भाव से मैं लोगों के बीच में आई हूँ, मेरा शुरू से और आज भी यही भाव है कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, अपने जुलाना के हालात बदलना चाहती हूँ और वो काबिलियत मेरे अंदर है। मेरे जुलाना हलके ने बहुत मान सम्मान दिया मुझे, जब हम मेडल लेके आते थे तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं अपने हलके की आवाज़ को बुलंद करूं और विधानसभा में ललकारूं कि ये देखो कितने सालों से मेरे जुलाना का, मेरे प्रदेश का ये हाल कर दिया इन सरकारों ने। अब पहली बार हरियाणा वालों को केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी पर भरोसा हुआ है और लोगों का हुजूम अगर आप देखोगे ना, सब परेशान है, हर वर्ग, चाहे आप युवा वर्ग देख लो, चाहे महिलाएं देख लो, चाहे सरपंच देख लो, चाहे किसान देख लो, चाहे मजदूर देख लो, हर कोई जब अपना हक मांगने जाता है, सवाल पूछने जाता है तो लठ के सिवाया, कीलों के सिवाया उनको कुछ नहीं मिलता। कविता जी, आप रेसलर, दूसरी तरफ ओलंपिक चैंपियन विनेश फोगाट जी, दोनों लोगों में किस तरह से आप देख रही हैं कि आपकी फ़ाइट किससे यहाँ पर है, बीजेपी से, विनेश से, कौन, आप डायरेक्ट फाइट किससे मान रही हैं? मेरी किसी से फाइट नहीं है, एक तरफा जो हमारी जनता है वो प्यार बरसा रही है, क्योंकि जनता की समझ में आ चुका है ये जो खोखले वादे, दावे, गारंटियां लोग देते आए हैं, ये लोगों के समझ में आ गया कि तुम्हारा भला नहीं करने वाले, जो विकास होता है ना वो उनके घरों में ही पैदा होता है, हम आम लोगों के घरों में नहीं आता है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी विचारधारा है, उनका जो झाड़ू का चिन्ह है वो सिर्फ एक झाड़ू नहीं है, वो एक विचारधारा है कि हमें गंदगी साफ़ करनी है और झाड़ू से अच्छी सफाई कोई नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि अब जो जिस तरह से टिकट मिलने के बाद आप तमाम, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी विधानसभा है, 90 से ज़्यादा मुझे लगता है गाँव इसमें विधानसभा में हैं, लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है, लोग तो चाह रहे थे कि हमारे बीच में, हमारे बीच का कोई बच्चा आए जो हमारी समस्याओं को समझता है। मैं भी इसी जुलाना में, मालवी गांव में पैदा हुई है, मैं इन्हीं गड्ढों से, सड़कों से निकल के संघर्ष करके विदेश में जाके WWE में मान सम्मान देश को दिलाया है, तो मेरे से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई बाहरी आदमी इस चीज़ को समझ पाएगा। अपनापन है, प्यार है, तो मैं तो दिल से 24 घंटे लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा युवा जो है वो सक्षम बने, अच्छी शिक्षा उनके पास हो, अच्छी शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा तो हमारा देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। ये सिर्फ एक सोच का फ़र्क है, जिसकी नीयत साफ होगी ना वही ये काम कर सकता है। कविता जी, आपका दफ्तर जहाँ पर जुलाना में है उसके सामने मुझे लगता है कि वहाँ पर हमारी गाड़ी फंस गई और उसी रोड में मैंने देखा कि सारी पार्टियों के दफ्तर वहीं पे आपके आसपास बने हुए हैं, इस हालात का जिम्मेदार कौन है? ये जितनी भी सरकारें हरियाणा में राज करके गई हैं, ये उनका, ये वो जिम्मेदार लोग हैं। अगर आप लोग सत्ता में आ जाएंगे तो कहीं फिर आपसे भी अगर मैं इंटरव्यू बाद में लूंगा? नहीं, देखो पूरी जनता जानती है और केजरीवाल साहब के जो काम है ना वो दिल्ली की जनता ने देख ली है, पंजाब की जनता ने देख ली है, अब हरियाणा देखना चाहता है। केजरीवाल साहब जो गारंटियां देते हैं वो पूरा करते हैं। दिल्ली में जिस तरह से आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रहे, उनके अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार लोगों से, अब सब लोग वापस आ गए,
क्या आप पार्टी से बूस्ट अप हुई है? अरविंद केजरीवाल के वापस लौटने से पार्टी मजबूत हुई है? देखो, ये सच्चाई की जीत हुई है और जो तानाशाही भ्रष्टाचारी लोग थे ना, उनके मुंह पे तमाचा लगा है और ये सारी जनता ने इस चीज को देखा है। जब उन्होंने कुछ गलत भ्रष्टाचार घोटाला किया नहीं तो आज तक वो सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। तो अपने आप में हाईकोर्ट ने जब उनको बाहर निकाल दिया है तो उन लोगों के आने से ये अपने आप में साबित हो जाता है कि हमारी पार्टी जो है वो ईमानदार पार्टी है और ना कभी गलत के साथ समझौता करती है। गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल, 10 साल बीजेपी के किस तरह देखती हैं आप? मैं एक रेसलर के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ, एक हरियाणा की बेटी होने के नाते पूछ रहा हूँ, मैं आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की नज़र से ये सवाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे जुलाना में मैं खिलाड़ी हूँ, मैं खेलों में जब मैं प्रैक्टिस करना चाहती तो मुझे स्टेट छोड़ के जाना पड़ा, बाहर जाके प्रैक्टिस करना पड़ा। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मेरे जुलाने के लोगों ने ऐसा क्या बुरा कर दिया, किसी का वोट तो ये लोग भी देते हैं, इनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं? इनको भी तो अच्छे स्टेडियम मिल सकते हैं, अच्छे अस्पताल मिल सकते हैं, अच्छे स्कूल मिल सकते हैं। इन्हीं की वोटों को आप इस्तेमाल करते हैं, वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। और हमारे हरियाणा को जो गद्दारी करते हैं ना, बहुत भावुक लोग हैं हमारे हरियाणा के, उनके साथ जो गद्दारी करते हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। और कुछ पार्टियों ने गद्दारी की है, उनके साथ धोखा किया है। तो अब की बार मजबूती के साथ सबको पता है कि वोट हमें झाड़ू पर लगानी है, देनी झाड़ू पर देनी है, और अपने बच्चों का भविष्य अब इन पब्लिक के हाथ में, हमारी जनता के हाथ में। गुप्ता जी, अगर आप विधायक चुनती हैं तो आपकी प्राथमिकताओं में सबसे पहले क्या शामिल रहेगा? मैं इतने काम है, अगर मैं गिनाने लग जाऊँ ना तो मेरे ख्याल से लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी। सबसे पहले हम जोर देंगे शिक्षा पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा भी बराबर एजुकेशन ले, गरीब के बच्चे को भी वो अधिकार मिले, उनके भी सपने हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो उनके सपने भी साकार हों। हम एजुकेशन सिस्टम को सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, खेलना चाहते हैं, उनको अच्छी सुविधाएँ अगर हम नहीं देंगे, हमारा आज ओलंपिक में मेडल लिस्ट में हमारा भारत कहाँ पर है? और सबसे ज़्यादा टैलेंट हमारे भारत में है, और उस भारत में हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा टैलेंट है, जितने भी मेडल आए हैं सबसे ज़्यादा हरियाणा में आए हैं, लेकिन आज खेलों की दशा बहुत ख़राब है। तो मैं युवा वर्ग को नशे की तरफ जाने से रोकने के लिए उनको अच्छी खेल सुविधा देना चाहूँगी। महिलाओं के मान सम्मान की बात है, अगर हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे तो महिलाएं भी निकलेंगी बाहर, रोजगार ढूंढेंगी, उनमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरीके से हम अपने समाज को बराबर और बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, व्यस्त समय पे आपने हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.